अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने बताया था कि हम एक स्किज़ोफ्रेनिया का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज हम उसका फर्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम आज थ्री एरियाज को कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है, देन हम स्टडी करेंगे लुई वेन्स कैट के बारे में, फिर उसके बाद हम स्किज़ोफ्रेनिया की प्रेवलेंस, डेमोग्राफिक एंड एटियोलॉजी को कवर करेंगे। बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक मेंटल इलनेस है जिसमें इंसान की कॉग्निशन इफेक्ट होती है, सोशल इम्पेयरमेंट हो जाती है, चीज़ों पे सही से फोकस नहीं कर पाता, रियलिटी से जो पर्सन है वो डिसकनेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं, ये जो थोड़ी बहुत जो मैंने आपको बताया है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आगे हम जाके इसको डिटेल में, इसके वन बाय वन सिम्टम्स को हम स्टडी भी करेंगे। तो बेसिकली जो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है। तो आज जो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इस पूरे कोर्स में हम कवर करेंगे, तो उसके लिए हमने एक बुक को फॉलो किया है, दैट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया एंड इट्स ट्रीटमेंट, वेयर इज़ अ प्रोग्रेस, जो मार्ट कर्स ने लिखी है और बहुत ही अच्छी बुक है एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया को फर्दर डिटेल में देखना चाहता है तो ज़रूर ये बुक पढ़े, इसमें एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में मेंशन है। तो सबसे पहले हम स्किज़ोफ्रेनिया की मिथ्स के बारे में देखें। तो हम अगर पास्ट में देखें या फिर एज अ स्टूडेंट जब हमने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू की होती है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हम जा रहे होते हैं, तो हमें कुछ मिथ्स के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहली मिथ है स्किज़ोफ्रेनिया की, वो हम समझते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में स्प्लिट पर्सनैलिटी है, यानी कि डबल पर्सनैलिटी आ रही है। ऐसा नहीं होता। डबल पर्सनैलिटी एक अदर इलनेस है, दैट इज डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, बट स्किज़ोफ्रेनिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पर्सन की स्प्लिट पर्सनैलिटी हो, बल्कि पर्सन की कॉग्निशन में इफेक्ट होता है। इन जो पर्सन है वो कहते हैं रियलिटी से डिसकनेक्ट हो जाता है, पर उसकी पर्सनैलिटी डबल नहीं होती, ठीक है? क्योंकि ये मिसकंसेप्शन इस वजह से भी होती है, जैसा कि नाम से स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट एंड फ्रेनिया मीन माइंड, यानी कि हमारा माइंड स्प्लिट हो गया है। तो ये एक हम कहते हैं ना, हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग जब देखते हैं तो ये हमारे तरफ मिसकंसेप्शन आ जाती है, बट अगेन ये सिर्फ मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया स्प्लिट पर्सनालिटी है। तो ये आपको बताने का मकसद यही है कि अगर आपकी ऐसी कोई मिथ है या मिसकंसेप्शन आप लेके चल रहे हो तो आप इसको निकाल दो, क्योंकि इसका रियलिटी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। अगर हम देखें सेकेंड मिथ के बारे में स्किज़ोफ्रेनिया की, ये भी बहुत अहम है, इवन जब हम प्रोफेशनल लाइफ में गए थे तब भी हम इस मिथ को फॉलो कर रहे थे। तो ये मिथ ये है कि हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के जितने भी पेशेंट हैं वो सारे हाईली वॉयलेंट हैं। हमें यही बताया जाता है, हमने सुना भी यही होता है। अब क्यों हमने ये सुना होता है या क्यों हम ये मिथ बना के चल रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जितने भी हमने पब्लिश केसेस देखे हैं तो मेजॉरिटी यही बताते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उनसे आपने बच के रहना है, तो उसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। तो ये इस मिथ के बारे में डिस्कस करने का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी वायलेंट नहीं होते, ऐसा भी मैंने नहीं कहा। मत कहने का मतलब ये है कि सारे वायलेंट नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। तो एक चीज़ को सब पेशेंट्स पे या सब क्लाइंट्स पे जनरलाइज करना ठीक नहीं है। तो ये भी सिर्फ मिथ ही हुई, रियलिटी नहीं है कि सारे ही हाईली वायलेंट होते हैं। और अगर हम देखें, जैसा कि हम स्किज़ोफ्रेनिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि स्किज़ोफ्रेनिया का आइडिया किसने दिया। हम सब पढ़ते हैं, DSM-5 भी पढ़ रहे होते हैं, वैसे बुक्स भी रीडिंग कर रहे होते हैं, गूगल भी कर रहे होते हैं, बट अगेन हमें यही नहीं पता होता कि स्किज़ोफ्रेनिया को फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ का था, आदर साइकोलॉजिस्ट था, साइकियाट्रिस्ट था। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो स्किज़ोफ्रेनिया का जो आइडिया था वो हमारे एक स्विस साइकियाट्रिस्ट हैं, उगन ब्लूलर, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि स्किज़ोफ्रेनिया में बंदे की या पर्सन की परसेप्शन स्प्लिट हो जाती है, थिंकिंग अफेक्ट होती है। अगेन देखें, यहाँ स्प्लिट परसेप्शंस की बात की गई है, स्प्लिट माइंड की बात बिल्कुल भी नहीं की गई। तो मीन टू से उनकी कॉग्निशन, उनकी थिंकिंग, उनकी सोशल रिलेशनशिप, उनकी सोशल लाइफ, इस तरह की चीज़ें अफेक्ट हो रही होती हैं। इसमें पर्सनालिटी में डिस्ट्रप्शन नहीं होती, बट स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेसेस अफेक्ट हो रहे होते हैं। अब हम देखेंगे
लुई वेन्स कैट, कि लुई वेन्स कैट क्या है, माइट भी आपने सुना हो या फिर नहीं सुना तो ये आपके नॉलेज में एक न्यू एडिशन होगा। तो लुई वेन्स कैट बेसिकली स्किजोफ्रेनिया के कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। अगर इनको हम देखें, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्किजोफ्रेनिया एज अ डिसऑर्डर है क्या, या एक पर्सन में कैसे डेवलप हो जा सकता है। तो लुई वेन्स कैट से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है मोनालिजा ऑफ इजालम आर्ट। तो ये बड़ा ही हमने सुना है इसके बारे में, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है मोनालिजा, मोनालिजा हम कहते रहते हैं। तो अगेन अगर हम इसकी बैक पर जाएँ, इसकी हिस्ट्री देखें, तो बेसिकली मोनालिजा ऑफ इसालम आर्ट एक सीरीज ऑफ पेंटिंग है जो हमें नज़र आती हैं पास्ट में, जो किसने की थी, लुई वेन्स ने। ठीक है, तो आपको इधर से पता चला जाएगा कि लुई वेन्स एक पर्सन था जिसने मोनालिजा ऑफ इसालम आर्ट्स बनाई थी, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स थी, और इसने कैट्स की पेंटिंग्स भी बहुत बनाई थी। ठीक है, तो बेसिकली वो पर्सन की बना देता था या फेसेस की बना देता था, बेसिकली उसका काम ही यही था जो पेंटिंग्स करता था। जो लुई वेन था बहुत ही फेमस हो गया था 1800 में यूके में, तो बहुत ज़्यादा उस वक्त फेमस था क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ों की पेंटिंग जैसे मैंने आपको बताया बनाता था 1896 में, तो बहुत ही फेमस हो चुका था। और इसने एक कैट्स बनाई थी जिसे हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड कैट्स, तो उस वक्त ये बहुत चला था, बहुत ऐसे फेम ही अपनी इन कैट्स की वजह से मिला था। तो अगर आप ये पिक्चर देखें तो आपको नज़र आएंगी डिफरेंट किस्म की कैट्स हैं, कोई वैसे बैठी है, कोई आँख पे हाथ रख रही है, कोई बुक रीडिंग कर रही है, कोई बुक को सामने करके इधर उधर देख रही है, कोई स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ी है, कुछ क्या कर रही है, कोई क्या, तो लाइक ये डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स उन्होंने की थी और जो लोगों को बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे थे इस तरह की पेंटिंग्स में, जिसकी वजह से उसे बहुत फेम भी मिला था। तो जैसे कि सिर्फ यूके में ही नहीं बल्कि यूएस में भी अपनी ड्राइंग्स की वजह से लुई वेन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और लेकिन फिर अब सवाल ये आता है कि मैंने तो पहले कहा कि लुई वेन्स के आर्ट का जो जिक्र है स्किज़ोफ्रेनिया से मिलता है, तो कैसे मिलता है? तो बेसिकली जब लुई वेन्स अपनी 20s में था, अपनी यंग एज में था, तो उस वक्त उसमें ना कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो गए, यानी कि डिल्यूजन्स आने शुरू हो गए, उसे इरेशनल बिलीव्स डेवलप हो गए। अब हमें कैसे पता चला इन चीज़ों के बारे में? एग्जैक्टली उनकी पेंटिंग्स की वजह से। देखिए पहले पेंटिंग्स उनकी कैसी थी, वक्त के साथ साथ उनकी पेंटिंग्स में क्या बदलाव आया, किसकी वजह से? उनकी इरेशनल बिलीव्स की वजह से, उनकी डिल्यूजन्स की वजह से। क्योंकि इंसान जो सोचता है अगर उसकी बिलीव्स में चेंज आना शुरू हो गया है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें कुछ बना रहा है तो उनमें भी उसका रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, और यही चीज़ें हमने लुई वेन में देखी। अच्छा, एक दफ़ा हुआ क्या, तो जो बहुत ज़्यादा उसके स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को प्रोमिनेंट कर देता है एक वाकया, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो लुई वेन जो है एक दफ़ा एक मूवी थिएटर में बैठे थे और वो सबकी तरह मूवी देख रहे थे, अचानक से उन्हें लगा कि जो मूवी के अंदर से जो लाइट है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो बेसिकली डायरेक्टली उसके ब्रेन में जा रही है। तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं था, ये उसका फॉल्स बिलीव था। ठीक है, कि सारी जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके ब्रेन में जा रही है। तो उसने फिर वो मूवी छोड़ के भाग गया, थिएटर से बाहर निकल गया, तो जिसकी वजह से उससे ना बिहेवियरल एजिटेशन स्टार्ट होगी। इवन इस तरह वक्त के साथ साथ वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भी पहुंच गया था। तो उसके ये जो सारे सिम्टम्स हैं ऑब्वियसली उसने खुद तो एक्सपीरियंस किए ही किए, बट अगेन बहुत से लोग वहाँ थे जो उन्होंने ऑब्जर्व भी किए, और अगेन फिर उसकी जो क्लास थी उसमें जो चेंजेस आई उससे ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। जैसा कि सामने आपके एक पिक्चर है जो लेफ्ट साइड पे है, वो देखें एक नॉर्मल कैट की पिक्चर है, जो राइट साइड में देखें तो उसकी शेप समझ नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कैट है, बट अगेन बहुत मुश्किल हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करने में। तो बेसिकली ऐसा ही हुआ कि उसके इरेशनल बिलीव थे, जो डिल्यूजन्स थे, उसकी पिक्चर्स में वो नज़र आने शुरू हो गए। पहले तो वो कैट्स बनाता था, फिर उस कैट्स की आंखें बड़ी बड़ी बनाने शुरू हो गए, ए लार्ज आइज हो गई उनकी पिक्चर में। बट अगेन ये है कि वो अब एक टाइम आया क्योंकि पिक्चर में जो उनकी जो कैट्स की पिक्चर थी उसमें पैरानोया नज़र आने शुरू हो गया, यानी कि अजीब सी चीज़ें नज़र आने शुरू होगी, डिल्यूजन सारी हमें फील होने शुरू होगी, ऐसी पिक्चर जिनको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी पिक्चर्स बनाने शुरू हो गया।
तो बेसिकली ये सब इस वजह से हुआ कि उसकी कॉग्निटिव डिसफंक्शनिंग हो गई, जो कि स्किजोफ्रेनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब हम देखेंगे कि स्किजोफ्रेनिया का प्रेवलेंस रेट क्या है, डेमोग्राफिक्स कौन कौन से हैं जिसमें स्किजोफ्रेनिया ज़्यादा होता है, या फिर स्किजोफ्रेनिया के कॉजेज़ क्या हैं। तो ये मेंशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ मेंशन की है, एक तो मैं आपको पहले बुक मेंशन कर चुकी हूँ, उस बुक को मैंने कोट किया है, और इसके अलावा जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें एक्सप्लोर किया है, और फिर सारी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ एडअप की है। तो अगर हम प्रेवलेंस रेट देखें तो जो स्किजोफ्रेनिया है, बाकी मेंटल डिसऑर्डर की निस्बत इसका प्रेवलेंस रेट जो है समहाउ ये कम है, लाइक इस अराउंड 0.5 to 1%। और अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि स्किजोफ्रेनिया सिर्फ एलीट क्लास में हो सकता है या फिर लोअर क्लास में हो सकता है, ऐसा नहीं है, बल्कि सारे सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स में इक्वली ये प्रेवलेंट हो सकता है, और तमाम कल्चर में ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई एक स्पेसिफिक एरिया है या कल्चर है या लोअर क्लास उन्हीं ही हो सकता है, बाकियों को नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेन है वीमन दोनों में हो सकता है। तो जैसा कि देखें एक पीक एज होती है जिसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मेन में अगर देखें तो स्किजोफ्रेनिया की पीक एज जो आती है इट्स 15 to 25 एज, एंड वीमन में जो है 25 to 35 एज। अब ये डिफरेंस जेंडर डिफरेंसेस की वजह से है, ऑब्वियसली वीमेन और मैन की जो बायोलॉजी भी डिफरेंट है, डिफरेंट चीज़ें भी, इनकी सोशलाइजेशन डिफरेंट हो रही होती है, तो ये चीज़ें दोनों मिलके चेंज करती हैं इनका पीक काउंसिल पीरियड। वैसे अगर वीमेन और मैन को आपस में कंपेयर किया जाए तो मेन में स्किजोफ्रेनिया की प्रेवलेंस ज़्यादा होती है कंपेयर टू वीमेन। और इसके अलावा जो स्किजोफ्रेनिया में जो पेशेंट्स उनका सुसाइड रेट ज़्यादा होता है, यानी कि 50% जो पेशेंट्स होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो और जो 10% होते हैं वो एक्चुअली कमिट कर लेते हैं, यानी कि सक्सीड हो जाते हैं, वो अपनी अटेम्प्ट्स में उनकी डेथ हो जाती है। तो इस रेट को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी कम्प्लेक्स लाइफ, कितनी स्ट्रेसफुल या ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स का, कि वो इस अटेम्प्ट तक पहुंच जाते हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लें। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस किस्म के साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस को फेस कर रहे हैं कि उनके लिए बियर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया को टॉप 10 फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी में रख दिया गया है। किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो तो टॉप 10 में स्किज़ोफ्रेनिया फॉल करता है। इट्स मीन ये हाईली क्रिटिकल सिचुएशन होती है। दैट्स वाई एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट आता है तो उसे प्रॉपर वे से हेल्प आउट करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, ताकि वो इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से खुद को बचा सके या फिर इतना खुद को काबिल कर सके, अपने सिम्टम को एटलीस्ट मैनेज कर सके कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया को देखें तो एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड इलनेस है, मेंटल डिसऑर्डर है जो फैमिली टू फैमिली रन करता है। इसमें जो पेशेंट हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है, उनकी थिंकिंग में प्रॉब्लम हो रहा होता है, वो लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहे होते, उनके सोशल रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहे होते हैं, वो जॉब पर ध्यान नहीं दे पा रहे होते या वो कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, उन्हें डिलीजन्स को फेस कर रहे होते हैं, वो हेलुसिनेशन का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो एपिसोड्स उनमें स्किज़ोफ्रेनिया की आ रही होती हैं। और अगर स्किज़ोफ्रेनिया का टाइमली एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो सिम्टम्स ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, और इसमें जो पेशेंट है उसको खुद को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इस वजह से ये सारे जो चीज़ें हैं हमें टाइमली मैनेज करनी पड़ती हैं। So that's all from my side, and like and subscribe my channel to get update about new videos related to schizophrenia. Thank you.